spaceship. तो भाई सुबह सुबह निकल गए हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए। लेट उठे 11 बजे, 12:30 हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। व्लॉग अपलोड किया था रात को, लेट हो गए थे। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कहाँ जाना अब? मास्टर रेस्टोरेंट। आप ही खाना, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो चलते हैं। थैंक यू। तो गाइस, मैं खाऊंगा नहीं, यही खाएगी, इसको ही भूख लगती है सुबह सुबह। और ये देखो, सिर्फ अपने लिए ऑर्डर किया है, ये देखो। आपकी थाली आने वाली बेटा। मैंने बोला अनलिमिटेड थाली, मैं खा नहीं पाऊंगी तो मैं खा लूंगा ना। वो कौन नहीं खा रहा। ब्रेकफास्ट तो मिले नहीं भाई, लंच चल रहा है इनका। इसको ये था, लोगों को डेली देखती थी, ये पत्तल में खाना है, ये वाला खाना खाना है, हाथ से खाना है। और ये मैंने तो सैंडविच मंगा लिया अपना भाई। ब्रेकफास्ट डन और बैग लेके निकल गया मार्केट। अब मैं चली गई होटल वापस, को बैग की पैकिंग करनी थी, तो वहाँ चली गई। मैं अकेला गया तो निकल लिया। यहाँ पे कुछ सामान लेना है, वो ले लेता हूँ मैं। देखो कितना टाइम लगता है, 1 घंटे हो सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। शाम को हमने जाना है आज, कौन सा शो था हमारा, फ्यूचर म्यूजियम का। वहाँ की टिकट दे रखी थी, शाम को वहाँ का शो 7 बजे का। तो रात को लेट हो जाएंगे, फिर दिन में शॉपिंग कर लो सारी जो भी बची है। तो कल सुबह हमने फिर निकलना ही है। चलो एक बार देख लेते हैं यार, कुछ मिल जाए तो। मैं मार्केट आया हुआ था और अब जैसे होटल पर थी, इस होटल में चैन नहीं आ रहा। आ गई फिर देखो, अब होली हमारी शॉपिंग। अब पहले 1 घंटा लगा था, अब 4 घंटे लगेंगे। मार्केट से निकल लिए थे आज, बहुत सारा खर्चा कर लिया। मैंने एक वॉच ले ली, आई वॉच अल्ट्रा, और एक भाई के लिए ली है वॉच, उसके लिए तो नॉर्मल मतलब अल्ट्रा ही ली है, छोटा डायल लिया है। और एक इनको भी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास है। तो अब सीधा चलेंगे होटल, उधर से रास्ता। तो अब जा रहे हैं होटल, सारी शॉपिंग खत्म, पैसे सारे खत्म। नहीं अभी हैं, थोड़े बहुत हैं, आजकल के खाने पीने के हैं बस, ठीक है। और अभी होटल से भी लेने हमने 110, तो और टैक्स भी रिफंड कराना है, तो हो जाएंगे। तो पैसे तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सीधा चलेंगे होटल। अभी उससे वो उठाना है, ड्राई फ्रूट जो लिया, ड्राई फ्रूट उठाना है। और अब सीधा चलेंगे, ज़्यादा सामान लिया नहीं हमने, जो भी लिया मतलब बिल विल पे ले लिया, तो ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। थोड़ा बहुत ही सामान लिया हमने, थोड़ा बहुत ही लिया है, ठीक है। अब ये चल रहे हैं, हाँ चल माटी अपना नहा धो के एकदम रेडी। आज हमें जाना है फ्यूचर म्यूजियम, तो फ्यूचर म्यूजियम के लिए निकल रहे हैं हम। और अब सीधे यहाँ से फ्यूचर म्यूजियम ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। देखते हैं कैसे जाएंगे, टैक्सी पर जाते हैं, 4-5 किलोमीटर है, टैक्सी पर जाएंगे या मेट्रो पर जाएंगे। और कल लास्ट डे है, कल हमारी वापसी है, कल रात की है, मतलब कल का दिन भी है हमारे पास पूरा। तो अब निकलते हैं एक बार जल्दी से, और व्लॉग अपलोडिंग पे लगा दिए, तो नेट स्लो है तो बहुत टाइम लगता है अपलोड होने में भी ना। चलते हैं, निकल गए थे, टैक्सी बुक की थी और पता नहीं कहाँ रह गई टैक्सी, इतनी देर हो गई, आधा 1 घंटा हो गया वेट करते करते। क्या नंबर है, नंबर क्या है? टैक्सी कहाँ रह गई? वो आ गई, रेड है, रेड रेड है ना, रेड रूफ। तो भाई चलो निकलते हैं यहाँ से, लेट हो चुके हैं। पहुंच गए फ्यूचर म्यूजियम, और दूर से तो बहुत छोटा लगता है। यहाँ से देखो, कैमरे के लेंस में भी नहीं आ रहा, वाइड एंगल करना पड़ेगा। ये देखो,
सात बजे का शो है, अंदर देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ से अपने एंट्री फ्यूचर म्यूजियम की, ये तो हम नॉर्मल भी आ सकते थे विदाउट टिकट से, आ जाओ आगे, और टिकट से बहुत महंगी है यहाँ की। अब विदाउट टिकट भी आ सकते थे हम, अंदर तो आ सकते हैं। हाँ हाँ यहाँ तो वो भीड़ बहुत है यार, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, टिकट से हमने चेक करवा लेंगे। जो ऊपर जाना है अभी हमने शो के लिए, और चलते हैं वो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, सब जगह लाइन में टिकट एक रो कर लेते हैं, फिर टिकट आ गई है यहाँ से, ये मैं टिकट और ये टिकट निकल के आई है, ब्रांड है वो निकालते हैं इसको फेंकते हैं। तो भाई टिकट्स आ गई हैं, कस्टमाइज ब्रांड है या फिर नॉर्मल ब्रांड है, नॉर्मल है और यहाँ से इसको टाइप कर लेना, ये ब्रांड है हमारा और ये डस्टबिन, ये फैक्ट। तो भाई यहाँ पे भी लंबी लाइन लगी पड़ती है, और ये फिर ऊपर लेके जाएंगे, देखो जहाँ भी जाओ यहाँ हाइट से हमें हाइट जरूर दिखाते दिखाते। चलो ये देखो भाई, कुछ भी नहीं है ना, कोई ऐसे खुद ही चल रहे हैं ना, और वो है जैसे ड्रोन है, ड्रोन टाइप है, ड्रोन ही है। तो भाई यहाँ से हुई अपनी एंट्री, यहाँ पे स्कैन हो गए, जो उन्होंने बैंड दिया है स्कैन होगा। हेलो, हाउ मेनी, स्कैन हो गया और यहाँ से अंदर शो है, ऊपर नहीं जाना अभी फिलहाल। Spaceport in the year 2071. Our digital resident Aya will give you more information, so make sure to listen to her carefully. So you are going to start with entering by space shuttle. It's going to be closed and tight, so if anyone is claustrophobic, please inform us from now. We're going to take an alternative way. If you are wondering if you can take photos and videos, you all can, just make sure your flashlights is always off. And the Wi-Fi is Museum of the Future, and the password is also Museum of the Future, all small letters. So your journey will begin in level 5, and every time you're going to go one level down to your next chapter. Chapter 1 is going to be level 5, and chapter 2 is level 4, and so on. Okay? So we're just going to wait a few more seconds for Aya to come, and we're going to start. Yeah, just for the kids to see more, they can come in front, yeah? Spaceship. Spaceship. Welcome you all aboard.
मुझे फ्यूचर में ड्रोन्स वगैरह सब हाउ विल वी लिव इन स्पेस कार देखो नेक्स्ट चैप्टर टुमारो टुडे बढ़िया लगा ये सबसे बढ़िया लगा दूर से म्यूजियम कितना छोटा लगता है अंदर से कितना बड़ा लिया अपना होटल के लिए बहुत थक गए यार 2 घंटे खड़े खड़े बढ़िया था ये भी फ्यूचर म्यूचर तब जा रहे हैं खाना वाना खाने और देखे हैं डिस्पोजल कैसे होगा गाड़ी आएगी लेने और पूरा साफ सफाई पूरा ध्यान है
और एक हमारी कंट्री है वो आएगा, बाहर अनाउंसमेंट होती है, बंदे अपनी छतों से कूड़ा फेंकते हैं, आधा कूड़ा उसमें आधा नीचे है? क्या खाना है? मुंह खुला रखा चलो चल है, डिनर कंप्लीट और आइसक्रीम। पहुँच गए थे होटल पे और डेढ़ डेढ़ सब हो गया, कल सुबह में निकलना है तो आज जल्दी सोएंगे। तो भाई ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, कल सुबह हम निकलेंगे 10 बजे।